हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने ये ड्रिल मशीन विथ एक्सेसरीज अमेजोन से ख़रीदा था, तो मैं आप लोग के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। यह ऑलरेडी मैंने इसको खोल दिया है, लेकिन फिर भी ये डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ से मैं फिर से इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। पहले देखिए, ये स्टैनली का डब्बा है, स्टैनली कंपनी से आया हुआ 600 वाट का है। इसमें बहुत सारा एक्सेसरीज आ जाता है। चलिए पहले इसको खोल लेते हैं, फिर बाद में आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से ये इसका पैकिंग रहता है। ये बॉक्स काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी मजबूत है, और इसका लॉकिंग सिस्टम भी अच्छा है। इसको इस प्रकार आपको खोलना है। खोलने के बाद आपको जितना सारा एक्सेसरीज है वो उसके अंदर काफ़ी ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना सारा काम का एक्सेसरीज है। हर चीज़ ही काम का है। पहले ड्रिल मशीन देख लेते हैं। इसका कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसमें हैमर इफेक्ट भी आ जाता है। इस तरफ आपको ये हैमर का सिंबल नज़र आ रहा है, ये इस तरफ करने से ये हैमर इफेक्ट होगा, और इस तरफ ये नॉर्मल होल करने के लिए। कभी अगर दीवार में अगर छेद करना है तो काफ़ी मजबूत भी रहता है कभी, तो ये हैमर इफेक्ट तब आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इसको आप इसमें एक बटन दिया गया है, इससे आप इसको रिवर्स भी घुमा सकते हैं। और इसमें आपका और एक चीज़ अच्छा है, इसमें आप ये नोब दिया गया है, इससे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको प्रेस करके, अगर आप इसको प्रेस करेंगे, इसको ऐसे होल्ड में रहेगा, तो आपको बस होल्ड करके रखना है और इसको प्रेस नहीं करना है, और इसको आप अनलॉक भी कर सकते हैं। एक बार प्रेस करने से ये अनलॉक हो जाता है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक बार प्रेस कीजिए, फिर इसको प्रेस कीजिए, अभी ये लॉक हो गया, और एक बार प्रेस कीजिए, ये अनलॉक हो गया। अभी मैं इसको ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको अभी कनेक्ट कर लिया है। अभी देखिए, ये हैमर इफेक्ट में है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप प्रेस करेंगे इसको दीवार पे, तभी आपको इसका हैमर इफेक्ट आपको अंदाज़ा लगा सकेंगे तभी। अभी देखिए, ये नॉर्मल होल्ड करने के लिए अभी ये इस डायरेक्शन से घूम रहा है। अभी मैं इसको रिवर्स करूँगा, ये देखिए रिवर्स वाला बटन मैंने प्रेस कर दिया। अभी देखिए उल्टा घूमेगा ये, अभी देखिए उल्टा घूम रहा है। फिर मैं इसको प्रेस करता हूँ, अभी ये राइट में घूम रहा है। तो बस ड्रिल का इतना ही है। ड्रिल का पावर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने बहुत सारा फोटो वगैरह लगाया होल करके, तो कभी भी मुझे दिक्कत नहीं हुआ। ये काफ़ी आसानी से, इसका स्पीड भी अच्छा है। मैं इसको अभी कंप्लीट प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, इसका स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। अभी चलते हैं, अभी नेक्स्ट एक्सेसरीज के ऊपर एक देखते हैं कितना सारा एक्सेसरीज मिल रहा है। अच्छा, ड्रिल मशीन के साथ और एक चीज़ आता है, ये बहुत काम का चीज़ है। ये देखिए, इसको यहाँ पे ढीला करना होगा। ढीला करके आप इसको इसे लगा सकते हैं, ये पकड़ने के लिए आपको आसानी होगा। और एक चीज़ दिया गया है, ये एक टूल दिया गया है। आप इसको अगर ऐसे इसमें इंसर्ट कर लेंगे,
यहाँ पे एक होल बना हुआ है, इस होल से अगर आप इसको पास करेंगे तो आपको कितना छेद करना है, आप इसको ये इस तरफ से होगा ऐसा, आगे से आपको अंदर डालना है इसको, फिर आप देखिए कितना होल करना है, ये वहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, वैसे मैं ड्रिल बिट पे ही मैं नाप लेता हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर एक्यूरेसी चाहिए, अगर आपका अपना दीवार नहीं ख़राब करना है तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ये गाइडिंग रॉड है ये एक। चलिए अब इसको रख लेते हैं, अभी देखते हैं इसमें हर तरह का ड्रिल बिट जो आपका काम के हैं हर चीज़ है। ये आपको मेटल में अगर होल करना है तो मेटल के लिए है, नेक्स्ट ये लकड़ी में अगर आपको करना है वुडन आइटम्स के लिए है, और ये आप दीवार पे छेद करने के लिए ये दिया गया है, और एक काफ़ी अच्छा सा स्टडी एक कटर दिया गया है, ये भी काफ़ी काम का चीज़ है, ये नॉर्मली मिल जाता है लेकिन आपको इसमें मिल रहा है। और एक चीज़ है इसमें गिट्टी वगैरह स्क्रू दिया गया है, आप इसमें भर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजर के जैसा काम करता है। और इसमें एक मेजरिंग टेप दिया गया है, ये टेप 3 मीटर है, 10 फीट है इसका, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका ये काफ़ी स्मूथ भी है, और आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, इसे लॉक कर लिया। और एक स्क्रू ड्राइवर के साथ बहुत सारा एक्सेसरीज भी दिया गया है, इसमें एक ये एक दिया गया है, मैग्नेटिक है, आप कोई भी ऐसे निकाल लीजिए, इसमें आप फंसा के आप ऐसे आप कर सकते हैं काम, ये है, ऐसे बहुत सारा आपको एक्सेसरीज मिल जाता है। और आपको खोलने के लिए बहुत सारा ये एलन कीज, इसको शायद एलन की ही बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी काफ़ी काम का चीज़ है, बहुत सारा स्क्रू वगैरह कभी खोलने के लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए एक अच्छा क्वालिटी का एक हैमर भी दिया गया है, ये एक हैमर काफ़ी बैलेंस्ड है, ये काफ़ी बैलेंस्ड है, आपका जितना फोर्स है आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और एक दिया गया है, एक टेस्टर भी दिया गया है, ये अच्छा क्वालिटी का है, मैंने इसको टेस्ट किया है जब भी आया था। और आप एक चीज़ देख लीजिएगा, जब भी आप ड्रिल मशीन नया ख़रीदते हैं तो आप इसको इस पोर्शन में हमेशा टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ ड्रिल मशीन में इस पार्ट में अगर फ्लो हो रहा है करंट तो काफ़ी डेंजरस है, तो इसको आप हमेशा चेक कर लीजिएगा, कोई भी ड्रिल मशीन हो जितना भी अच्छा कंपनी का क्यों ना हो। तो ये स्टेनली का है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इसका रिव्यू ऑलरेडी देखा था 2-3 से, और मुझे किसी ने बोला भी था स्टेनली का प्रोडक्ट्स बुरा नहीं है इतना, और ये काफ़ी मुझे रिजनेबल प्राइस में मिला कंपेरेटिवली विथ अदर ब्रांड्स, तो मैंने इसको परचेज़ किया। और देख लेते हैं इसमें काम का हर चीज़ ही आपको मिल जाता है, ये प्लायर से ये क्वालिटी भी अच्छा क्वालिटी का प्लायर है, मेरा पास ऑलरेडी टपरिया का एक है, लेकिन टपरिया के साथ मैंने कंपेयर करके देखा, इसका भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें ड्रिल बिट लगाने के लिए ये की दिया गया है, तो जितना सारा एक्सेसरीज है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बॉक्स भी काफ़ी स्टर्डी है, और इसमें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक ही चीज़ मुझे नहीं मिला, एक लेवलर मिलता है, जो आजकल वो लेवलर आपको iOS हो या एप्पल हो या एंड्रॉयड हो, हर एक में प्ले स्टोर में भी मिल जाता है, और ऐप स्टोर में भी आपको लेवलर मिल ही जाता है, तो ये इतना बड़ा बात नहीं है, तो बस लेवलर का ही कमी था इसमें, तो बाकी सब तो मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, तो इसलिए मैंने शेयर किया। जनरली मैं हर एक चीज़ रेकमेंड नहीं करता हूँ, ये मैंने पर्सनली यूज़ किया, बहुत सारा होल भी किया घर में, तो क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, तो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो यही रीज़न है कि मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. थैंक्स अ लॉट.